होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे स्टूडेंट्स, और कॉलेज जाने के लिए आप तैयार होंगे क्योंकि आप कॉलेज स्कूल तालीमी इदारे खुलने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट अवर लेसन। आज का हम जो फर्स्ट ईयर का लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 गैसेस से। और इसमें पिछले लेक्चर में हम आइडियल गैस इक्वेशन को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फर्दर मोर आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा मेन लेक्चर है वो ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम गैस की डेंसिटी को कैसे फाइंड करते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमें फॉर एग्जांपल हमें आइडियल गैस इक्वेशन दी हुई है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, विच इज़ प्रीवियसली हम इस चीज़ को प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको बड़ी तफसील के साथ डिस्कस भी कर चुके हैं और इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा जो है वो बात भी कर चुके हैं। सो आज हम ऐसे करेंगे कि उसी फार्मूले को, दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसको यूज़ करके डेंसिटी को फाइंड करेंगे। सो लेट स्टार्ट कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो डेंसिटी की डेफिनेशन होगी। और द सिंबल मोस्ट ऑफन यूज टू डेंसिटी इज रो। ये जो पी नुमा शेप आपको नजर आ रही है ना, ये एक आपके पास है, जो मतलब आप बोल सकते हैं कि ये आपको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, ये जी आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके सामने है प्रीवियस में जाके, ये आपके पास है जी, ठीक है, इसके नीचे मैंने रेड कलर का निशान लगाया। सो दिस इज रो, ठीक है। ऑल दो द लैटिन लैटिन वर्ड डी एंड आल्सो यूज्ड फॉर दैट, ठीक है जी। यानी आप क्या है कि उस चीज़ के लिए रो का साइन भी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब आगे देखें जी, हम डी का साइन भी यूज़ करते हैं और रो भी यूज़ करते हैं। मैथमेटिकली डेंसिटी ऑफ डिफाइंस एज द मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, वेयर द रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मास एंड डेंसिटी एंड एम इज़ द मास एंड वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो ओरिजिनली जी हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन की डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे हम डिराइव करने वाले हैं। सो ओरिजिनली द आइडियल गैस इक्वेशन यूज द फार्मूला पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आधा एक पहली लाइन में लिखा हुआ है फार्मूला, पी वी ये है और इज इक्वल टू एन आर टी ये है जी, ठीक हो गया। ये फार्मूला है द डेंसिटी ऑफ द गैस। अच्छा जी, ये डेंसिटी, वेयर द पी इज अ प्रेशर मेयर। ये जो आपको इक्वेशन के अंदर ये आपको पी नज़र आ रहा है ना, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, ये हम फाइंड करने वाले हैं। और इस चीज़ के अंदर ये आपके पास ये जो पी है, दैट इज प्रेशर, एट टी एम में प्रेशर है, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, एम मेयर एंड इट इज़ आल्सो आइडियल गैस लॉ। सो आर की वैल्यू 0.0821 ATM यूज़ की जाएगी। अब देखते हैं जी इसको हम कैसे जो है वो डिराइव करते हैं जी। ज़रा आप बिल्कुल तफसील के साथ आपको बताता हूँ और बड़ी ही आसान मेथड से आपको समझ आएगी। देखें आपके पास ये इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो इस इक्वेशन से हम ज़रा ऐसे करते हैं कि इस एन की जगह, ये एन जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं कि एन मोलर मास एम है और एन जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं। सो एन इज इक्वल टू एम एस ओवर मोलर मास। इसकी जगह हम एन की जगह ये मैं थोड़ा सा आपके यहाँ पे ये कर देता हूँ। देखिए एन की जगह मैंने मास ओवर मोलर मास लिख दिया, इसको रीअरेंज किया, मास को मैं उधर ले गया, यानी ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये मास और वॉल्यूम, इन दोनों को मैंने समझे कि आपस में इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज किया तो पी वी पी एम इज इक्वल टू मास आर टी ओवर वी, ये आपके पास मास ओवर वी आ गया। तो मास ओवर वी को, यानी मास और वॉल्यूम को आप क्या बोलते हैं, दैट इज डेंसिटी। सो आप इस जगह डी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन से हमने एक फार्मूला फाइंड किया, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द आइडियल गैस। रो इज इक्वल टू एम पी और आर टी, रो आइडियल गैस इक्वेशन की डेंसिटी है। मास जो है एम इज इक्वल टू मोलर मास कैपिटल एम, पी ये जो प्रेशर ए टी एम है, आर मोलर गैस कॉन्स्टेंट है 8.31 जोल में वैल्यूज हैं, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन दी केल्विन, ठीक हो गया जी। ये आपके पास ही फार्मूला आ गया आइडियल गैस इक्वेशन का। स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों ने
लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी, बड़ा आसान है। आपने जस्ट दोबारा से रिवाइज कर दूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखने के बाद आपने एन की जगह मैस ओवर मोलर मैस लिखना है, फिर मैस और वॉल्यूम को इंटरचेंज कर देना है, फिर आपके पास मैस और डी यानी आ जाएगा मोलर मैस ओवर वॉल्यूम आ जाएगा। सो वो जो होगा वो होगा मैस ओवर वॉल्यूम, उसको दैट इज डेंसिटी उसकी जगह डी लिख के वी को अकेला कर लेना है। सो डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। होपफुली आप लोगों ने लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा। अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।